हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर कोचिंग क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हेस का नियम, जो कि हमारा नया टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है और आपको शायद ही आता हो। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं, या यहाँ पर इम्पोर्टेंट चाहें डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन ये इसको याद करना बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से, इस नियम के अनुसार कोई क्रिया एक पद में कराई जाए या एक से अधिक पदों में कराई जाए, यानी कि ये कोई भी क्रिया हम लोग कराएं तो उसे एक पद में चाहे कराएं चाहे अनेकों पदों में कराएं, तब प्राप्त ऊष्मा का मान सदैव समान होता। जो हम लोग मतलब ऊष्मा प्राप्त होगी उसमें उसका मान हमेशा समान होगा, चाहे कैसे भी आए वो निकल के उसका मान हमेशा समान होगा। ओके, एंड हमने यहाँ पर अगला लिख रखा है जैसे, यानी कि जैसे ये मैंने यहाँ पर डाल रखा है ए इजकल टू बी प्लस क्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इजकल टू सी प्लस क्यू वन, सी इजकल टू डी प्लस क्यू टू, डी इजकल टू ई प्लस क्यू थ्री, ई इजकल टू बी प्लस क्यू फोर। बहुत सिंपल है, आप इसके एग्जांपल में डाल के देखिए आपको समझ आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। एंड तब यहाँ पर लिख के आप आगे लिखते हैं क्यू इजकल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर। अतः यही हेस का नियम है, यहाँ पर उसे डाल लीजिए, बहुत सिंपल हो गया। देखिए जरा देर में, बस 2 मिनट का काम था ये। धन्यवाद, एंड सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब।